स्वर्गीय प्रभात झा को याद कर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गला फहराया। सिंधिया ने कहा, प्रभात झा जी का असमय जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। देखिए खास रिपोर्ट। तारीख 6 अगस्त 2024, दिन मंगलवार, स्थान मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय। मंच पर स्वर्गीय प्रभात झा का चित्र और मंच खाली था। मंच के नीचे मध्य प्रदेश की राजनीति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभी बड़ी हस्तियां मौजूद थी। सभी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने यहां मौजूद थे। सभी ने प्रभात जी के संग अपने अनुभव साझा किए और भावों से भर गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जहां एक परिवार का संबंध न हो, लेकिन जीवन की इस यात्रा में कई ऐसे घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं जो कभी कभी पारिवारिक संबंध से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्वर्गीय प्रभात झा जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक रहा। मेरा उनसे आजी अम्मा जी एवं पूज्य पिताजी के समय से संबंध है। उनका समय चले जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। आज हम सबके लिए एक बहुत भावुक क्षण है। कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिंदगी में जहां एक परिवार का संबंध ना हो, लेकिन जीवन के इस यात्रा में कई ऐसे घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं जो कभी कभी पारिवारिक संबंध से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये क्षमता, ये अद्भुतता प्रभात जी में थी। मेरे पूर्व वक्ताओं में उनके जीवन संघर्षपूर्ण जीवन, अगर संघर्ष के जीवन की याचना करनी है तो प्रभात जी की जीवन हम सबके लिए प्रेरणा बनती है। और उनके हर पहलू पर सभी लोगों ने बहुत कुछ कहा है, भावनात्मक रूप से भी कहा है, लेकिन मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति रही है क्योंकि प्रभात जी के साथ मेरा एक पीढ़ी का संबंध नहीं, दो पीढ़ी का संबंध नहीं, लेकिन मेरे पूजनीय आजी अम्मा के समय से एक संबंध रहा। उनकी जो एक घनिष्ठता उनके साथ रही, पहले चरण में मेरे पूज्य पिताजी के साथ, और जब अलग अलग दल में भी थे तब भी एक पारिवारिक संबंध रहा। और पिछले 4-5 सालों में जो उनका बरदहस्त, उनका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहा है, आज मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति हुई है। और उनका अंदाज, वे एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, बेबक तरीके से बोलते थे। कई लोग हमें मिलते हैं जो दिमाग में और शब्दाली में कुछ और कहते हैं और दिल में कुछ और होता है। प्रभात जी के साथ जो दिल में होता था वही उनके स्वर में होता था। 6 अगस्त 2024 को प्रभात जी का शायद औपचारिक तौर पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में आखिरी दिन था, पर कार्यकर्ताओं के भावों में प्रभात जी हमेशा जिंदा रहेंगे, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।